हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है कविता बनारसी किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी करेमू की साग की पकौड़ी। फ्रेंड्स, इसे बनाना तो बहुत ही इजी है, आप इसे एक बार देख के ज़रूर बनाना चाहेंगे। रेनी सीजन चल रहा है फ्रेंड्स, तो ये पकौड़ी तो बनाना तो बनता ही है और इसका स्वाद तो बहुत ज़्यादा ही है फ्रेंड्स। ये पकौड़ी बनाने में टाइम भी नहीं लगेगा, उतना ही ज़्यादा इसका स्वाद भी आएगा। तो आइए फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, करेमू का साग की पकौड़ी बनाने के लिए देखिए, हमने 500 ग्राम करेमू का साग हमने मार्केट से मंगा लिया था। इसको हमने अच्छे से साफ कर लिया है, अब इसको हम धुल भी लिए हैं अच्छे तरीके से। अब इसको हम बारीक बारीक से काटेंगे हसुआ की मदद से। आप चाहे तो चाकू की मदद से भी काट सकते हैं, लेकिन हम हसुआ की मदद से काटेंगे। इसी तरीके से हम बारीक काट लेंगे। देखिए, हमने हसुआ से पेपर रख के उसी तरह हम काटेंगे साग को, और फिर एक बर्तन लेके उसी में रख लेंगे। और ये देखिए, हमने लिया है अजवाइन का पत्ता, हमने पेड़ से तोड़ करके इसको भी हमने लिया है। उसी पकौड़ी में, साग में डालेंगे पकौड़ी बनाने के लिए। इसको भी देखिए, हम धुल करके अच्छे से काटेंगे बारीक, इसको भी काटेंगे। और सारा हम काट करके साग हमने एक बर्तन में रख लिया है, अब इसको हम धुलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने अच्छे तरीके से 4 से 5 बार धुल लिया है अच्छे तरीके से। फिर इसके बाद हल्दी पाउडर 1 टीस्पून डाले हैं। अब इसके बाद हम 1 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे। ये है 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और ये है धनिया पाउडर, और स्वाद के अनुसार नमक। इसके बाद हम ये खड़ा धनिया लिए हैं, ये भी हम डाल देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने लिया आमचूर पाउडर। इसके बाद हम 1/4 अजवाइन डालेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने मिर्च बारीक कट की हुई है, अदरक है, मीठी नीम और धनिया, ये सब हम डालेंगे उसी साग में पकौड़ी तैयार करने के लिए। सारे हमने इसी तरह से करके डाल दिए हैं। अब हम डालेंगे बेसन। बेसन हमने 200 ग्राम के करीब लिया था। बेसन बहुत ही अच्छा है, बहुत सॉफ्ट बेसन है, और हम बेसन भी डाल देंगे। और फिर हम इसको हाथ से पहले सूखा ही मस लेंगे, क्योंकि साग से पानी छोड़ता है, इसीलिए पहले हम सूखा मसल लेंगे। और जितना बेसन को पानी सूखना रहेगा वो सूख लेगा, फिर इसके बाद ही हम थोड़े थोड़े पानी डालेंगे पकौड़ी में तैयार करने के लिए। देखिए, हम इस तरीके से मसल लिए हैं। बेसन हमको कम लग रहा था, इसीलिए हमने और ज़्यादा ही बेसन ले लिया है। इसको भी हम उसी तरीके से मसल लेंगे। फिर इसके बाद हम थोड़े थोड़े पानी लेंगे और हल्के हाथ से इसको पानी डाल करके हम 2 से 3 मिनट तक मस लेंगे, ताकि पकौड़ी का डो तैयार हो सके। देखिए, इसी तरीके से हम मसल लेंगे 2 से 3 मिनट तक। अब इसको हम इसी तरीके से रखेंगे ताकि थोड़ी सी फूल जाए बेसन, इस तरीके से करके। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसी तरीके से पकौड़ी का तैयार कर लिया है। ये हींग है, हींग हमने घोल करके रखी हुई थी, वो भी हम डाल देंगे। और इस तरीके से जब पकौड़ी बनेगा तो बहुत ही टेस्ट बन करके आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने गैस पे कढ़ाई रखे हैं, उसमें हम तेल डालेंगे। सरसों का तेल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब तेल गर्म हो जाएगा तो उसी में ही हम पकौड़ी को फ्राई करेंगे। देखिए, तेल गर्म हो चुका है, अब इसी तरह हम एक एक करके पकौड़ी डालेंगे, और सारे पकौड़ी हम कढ़ाई में इसी तरीके से डाल देंगे। और इसको हम छोड़ेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि एक साइड से अच्छे तरीके से पक जाए। और देखिए, हम इसी तरीके से पकौड़ी डाल रहे हैं तेल में, और सारे हम अच्छे तरीके से डाल दिए हैं। और इसको हम फ्राई करेंगे, फिर इसके बाद ही हम एक बार पलटे की मदद से हिला लेंगे, ताकि जो नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर हो जाए और पके पकौड़ी अच्छे तरीके से, और बहुत ही कुरकुरी बन करके तैयार हो। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इस तरीके से पलटे की मदद से चला चला करके पकौड़ी तैयार कर लेंगे। ये देखिए, पकौड़ी मेरी तैयार हो चुकी है। अब इसको हम कढ़ाई से प्लेट में निकालेंगे। हमने पकौड़ी इसी तरीके से, देखिए, सारे हम कढ़ाई में से बाहर प्लेट में निकाल लेंगे तेल को निथार करके, और दूसरी पकौड़ी भी हम उसी तरह कढ़ाई में डालेंगे। और देखिए, हम दूसरी बार भी इसी तरह करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरी बार भी उसी तरीके से हम पकौड़ी डालेंगे कढ़ाई में, और इसको भी हम पकाएंगे उसी तरीके से पलटे की मदद से। इसको भी हम दोनों तरफ से पलट करके अच्छे से पका लेंगे। और ध्यान रहे कि ये पकौड़ी
हाई फ्लेम पे पके तभी ज़्यादा कुरकुरी होगी। और देखिए पकौड़ी पक चुका है, इसको भी हम प्लेट में निकाल लें। तो फ्रेंड्स देखिए करेमू की बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कुरकुरी टेस्टी पकौड़ी बनके तैयार हो चुकी है। देखिए हम इसको सर्व भी कर दिए हैं, एक प्लेट में हमने टमाटर सॉस भी रखे हैं, फिर उसी में हमने करेमू के साग के पकौड़ी भी रखे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमने बहुत ही टेस्टी, आपने तो देखा ही हमने कैसे तैयार किया है, कितने मसाले डाले हैं। और इस तरीके से जब पकौड़ी घर में बन करके तैयार होगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा स्वाद आएगा। आप चाहे तो टमाटर का भी चटनी बना सकते हैं या चिली सॉस के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने करेमू का साग का पकौड़ी बना करके तैयार किया है, आप चाहे तो कोई भी साग ले सकते हैं, जैसे पालक का हो गया, बथुआ हो गया या फिर मेथी हो गया, उस तरीके से आप इसी तरीके से पकौड़ी बना करके तैयार कर सकते, स्वाद रहेगा पकौड़ी में। तो फ्रेंड्स देखिए हम इसे टमाटर सॉस के साथ लगाकर भी आपको दिखा रहे हैं और इस तरीके से आप सर्व करिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।